स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल। आज हम आपको बताएंगे आर्थिक पर्यावरण के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पर्यावरण शब्द का आशय आपके आसपास का जो एरिया है उसे ही हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं, और हर व्यक्ति अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। मान लीजिए आपके आसपास गर्मी है तो उसी प्रकार की आदतें उस व्यक्ति में डेवलप होगी। गर्मी से निपटने के लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसी का वो इच्छुक होगा, क्योंकि हम लोग सभी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। और जब हम आर्थिक पर्यावरण की बात करते हैं, देखिए पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण को जोड़ने से आर्थिक पर्यावरण बनता है, आर्थिक अलग चीज़ हो गई और पर्यावरण अलग चीज़ हो गई। जब हम बात आर्थिक पर्यावरण की करते हैं तो आर्थिक से तात्पर्य हमारा अर्थ से संबंधित है। अर्थ का अर्थ है कि मुद्रा से संबंधित है, यानी आपका जो आर्थिक वातावरण है वो किस प्रकार का है। किसी भी देश में आर्थिक वातावरण कई घटकों से, कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है। आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कई तत्व हैं, तो हम चर्चा करेंगे आज आर्थिक सर्वप्रथम हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आखिर आर्थिक पर्यावरण क्या है। जो भी नीतियाँ अर्थ से संबंधित, मुद्रा से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो वातावरण आपका होता है उसे ही हम आर्थिक वातावरण कहते हैं। आर्थिक वातावरण या आर्थिक पर्यावरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आर्थिक पर्यावरण कुछ विशेष बातों पर निर्भर करता है। जैसे नंबर वन है आपके आर्थिक विचारधारा। समाजवादी विचारधारा किसी देश में अडॉप्ट की जाती है, या पूंजीवादी विचारधारा, या गांधीवादी, साम्यवादी, मिश्रित प्रणालियाँ, किस प्रकार की विचारधारा उस किसी देश में अडॉप्ट की जा रही है, उसको अपनाया जा रहा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके आर्थिक पर्यावरण को बहुत कुछ मात्रा में प्रभावित करता है। देखिए, या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है कोई देश, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कोई देश अपनाता है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, कम होता है, न्यून होता है। उसमें जो है व्यापार को खुला छोड़ दिया जाता है और सरकार का नियंत्रण उसमें बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो देश आपका पूंजीवादी देश कहलाता है। उससे भी कोई भी देश का जो आर्थिक वातावरण है वो उसी तरह से प्रभावित होता है। जहाँ तक समाजवादी की अर्थव्यवस्था की बात है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी किसी वातावरण को प्रभावित करने में आगे रहती है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपके जितने भी जो व्यापार उद्योग हैं उन पर प्राय नियंत्रण जो है सरकार का रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था आपकी प्रभावित होती है। तो चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, और या दोनों के गुण हो उसमें, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने, या भारत ने जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही के गुण, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के ही गुण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, और अर्थव्यवस्था जो है इन सबसे प्रभावित होती है, समाजवादी और आपके पूंजीवादी। इसी तरह से आर्थिक पर्यावरण की जो द्वितीय विशेषता, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है नियोजित अर्थव्यवस्था। यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त क्रियाएं राज्य के अधिकार क्षेत्र में होती है। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय सरकार के देश के उपलब्ध साधनों का प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन एवं उपयोग करती है।
सरकार की इन सब क्रियाओं के पीछे सामाजिक व सामाजिक कल्याण की भावना होती है। यानी समस्त निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं, सरकारी निर्देशों में क्रियान्वयन का कार्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर करते हैं, तो नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रभाव भी हमारे आर्थिक वातावरण पर पड़ता है। किसी देश का आर्थिक वातावरण कैसा है, इसके लिए जो एक विशेषता और है वो है धन एवं आय का वितरण। यानी किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में धन एवं आय का वितरण जितना असमान होता है, उतना ही समाज में आर्थिक विषमता और शोषण को बढ़ावा मिलता है। और जहां समान वितरण होगा वहां इन सबसे मुक्ति रहेगी, शोषित वर्ग कम होगा, कालाबाजारी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, रिश्वतखोरी कम होगी। यानी कहने का अर्थ है कि ये सब हमारे आर्थिक वातावरण को कि ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह से जनता का दृष्टिकोण, ये भी एक प्रमुख विशेषता है हमारे आर्थिक वातावरण की, कि जनता का दृष्टिकोण कैसा है। यानी आर्थिक पर्यावरण में राष्ट्र की जनता महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि जनता प्रगतिशील है तो आर्थिक गतिविधियाँ तेज गति से बढ़ती हैं और देश में विकास का वातावरण बनता है। इसके विपरीत व्यवहार होने से विकास की गति मंद पड़ जाती है। यानी जनता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे वातावरण को प्रभावित करना। आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने में जनता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसी तरह से वराइबल ट्रेंड्स यानी कि परिवर्तनशील प्रवृत्ति, आर्थिक वातावरण या आर्थिक पर्यावरण सदैव एक सा एवं स्थिर नहीं रहता है। मैनी चेंजेज हैव बीन टेकन प्लेस, कई चीज़ें आप देख रहे हैं कि परिवर्तित हो चुकी है और ये आपका कोई स्थिर अवस्था में आपका प्रवृत्ति नहीं रह सकती। किसी भी अर्थव्यवस्था की वो परिवर्तनशील रहती है, कभी तेजी आती है तो कभी मंदी आती है, तो कभी घटत बढ़त और समृद्धि, सब अति उत्पादन न्यून उत्पादन, ये सब व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। इन सब का प्रभाव जो है हमारी आर्थिक वातावरण पर पड़ता है। इसी तरह से व्यापक दृष्टिकोण वाइड कंसेप्ट, यानी कि आर्थिक पर्यावरण एक जटिल और व्यापक अवधारणा है। इसमें अनेक तत्वों का समावेश होता है जो आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हमारे आधारभूत विशेषताओं की, यानी आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है किसी भी देश के वातावरण को प्रभावित करने में। अगर आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, आधारभूत ढांचा डेवलप है, विकसित है, जैसे यातायात के साधन हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सिंचाई संचार साधन है, इत्यादि इत्यादि, अगर ये सब डेवलप है तो उस देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकसित होती है। यानी आर्थिक वातावरण पर पूरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन सब चीज़ों का अभाव है तो आपका आर्थिक वातावरण जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसलिए इन सब चीज़ों का विकसित होना आवश्यक है। इसी तरह से कई आपके जो है विशेषताएं हैं जो प्रभावित करती है आपके आर्थिक वातावरण को, उसमें पूंजी की उपलब्धता, यानी देश में पूंजी की क्या उपलब्धता है, ये इम्पोर्टेंट है। देश में अगर मान लीजिए पूंजी उपलब्ध है, बचत व्यक्ति ज़्यादा करता है, ठीक है, बैंकों में जमा कराता है और बैंक जो है व्यापार उद्योग के लिए जो है पैसा उपलब्ध कराते हैं, सस्ती दर पर पैसा उपलब्ध कराते हैं, तो वहाँ का आर्थिक वातावरण सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है, और इसके विपरीत नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसी तरह से सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे आर्थिक पर्यावरण की, कि आर्थिक पर्यावरण को संचालित करने के लिए सरकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सरकारी नीतियाँ किस तरह की है, प्रेरणास्पद है, सब्सिडी देती है, ज़्यादा नियंत्रण रखती है, इन सब बातों का हमारी आर्थिक पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका नैतिक तत्व, यानी जनता का नैतिक मूल्य क्या है, इस पर निर्भर करेगा हमारे आर्थिक पर्यावरण पर
सकारात्मक रूप से, अगर नैतिक स्तर जो है जनता का अच्छा है, ठीक है, विकास के प्रति अग्रसर रहे और विकास करने के इच्छुक हैं, तो उसका प्रभाव भी, यानी कि भौतिकवादी हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर जनता भौतिकवादी है तो तीव्र गति से विकास होगा हमारे देश का, किसी भी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास होगा अगर वहाँ की जनता भौतिकवादी है। और आध्यात्मिक है, संसाधनों से दूर रहना चाहती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था आपकी कम गति से विकसित होगी। तो इन सब, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।